बरसात के दिनों में बहुत सारी महान जड़ी बूटियाँ हर कहीं खरपतवार के रूप में उग जाती है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम उनका सही से प्रयोग कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक वनस्पति है ये, संस्कृत में इसे दंडोत्पला कहते हैं। दंडोत्पला का मीनिंग होता है छोटा सा पौधा। इसके बहुत सारे ज़बरदस्त स्वास्थ्य लाभ हैं, आप जान करके भौचक के रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप बताइए कि आप इस पौधे को आपके प्रांत में किस नाम से जानते पहचानते हैं और आपको इसका क्या प्रयोग पता है। इस वीडियो में मैं बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको किसी भी एपिसोड में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। वैसे तो सहदेवी के नाम से इस पौधे को हम सब जानते हैं, लेकिन बॉटनिकली इसे वर्नोनिया साइनेरिया कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे पर्पल फीबेन कहा जाता है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसे तिक्त, रूक्ष और उष्णवीर्य बताया गया है। ये लघु है और ये कफ और वात को कम करता है। एस्पेशली जब इस पौधे के फूल सूख जाते हैं तब काफ़ी लोगों को ये गाजर घास जैसा नज़र आता है, क्योंकि गाजर घास का पौधा भी जब सूख जाता है तो दोनों पौधे एकदम एक जैसे नज़र आते हैं। और बात यह है कि गाजर घास, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए जब सहदेवी का सूखा हुआ पंचांग एकत्रित किया जाता है, तब गलती से गाजर घास इकट्ठा ना हो जाए, ये देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को पुनर्नवा और सहदेवी में कन्फ्यूजन होता है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पुनर्नवा के आप अगर फूल देखेंगे तो वो इससे बहुत ही छोटे होते हैं, ये एक दोनों में फ़र्क होता है। दूसरा, ये इसकी जो डंडी होती है, पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा की डंडी बहुत ही पतली होगी, और ये जैसे सहदेवी अपने बलबूते पे खड़ा है, जबकि श्वेत पुनर्नवा का पौधा इतना पतला, उसकी डंडी पतली होती है कि वो ऐसे लहराते रहता है, वो ढंग से खड़ा नहीं रह पाता है। और अगर आप श्वेत पुनर्नवा का पत्ता देखें तो वो नीचे से चमकीला होता है। ये देखिए, ये सहदेवी का पत्ता है, ये नीचे से एक नॉर्मल पत्ते जैसा है, जबकि श्वेत पुनर्नवा का पत्ता जो होगा वो पीछे से थोड़ा सा फ्लोरोसेंट और चमकीला होगा। ये अगर आपको बारीकियाँ पता हैं तो आप पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा और सहदेवी में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इसके अलावा एक ऐसा ही दिखने वाला हूबहू पौधा होता है, लेकिन इसके फूल येल्लो होते हैं, याद रखिए वो सहदेवी नहीं होता है, वो अलग पौधा है। इसके अलावा भी मेरा एक पर्सनल अनुभव मैं आपको बता दे रहा हूँ कि काफ़ी बार सहदेवी के पत्ते के नीचे फंगस होता है या फिर मकड़ी का जाला होता है, इसलिए अगर आप सहदेवी के पत्ते तोड़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान से देख करके तोड़िए। ये कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ है, मेरा अनुभव है जो मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया है। अब इसके गज़ब के जो फ़ायदे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सहदेवी के फूल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर्पल रंग के होते हैं। इस रंग के फूल वाले जो भी वनस्पतियां होती है वो सभी के सभी यूजुअली बहुत ही ज़बरदस्त विषनाशक होती है, ये भी मेरा एक अनुभव है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। इस तरह की बातें अगर आपको पता है तो बड़े स्वाभाविक ढंग से आप सहदेवी जैसे वनस्पतियों के विषनाशक गुण याद रख सकते हैं, आपको उसे मगअप करने की या घोकने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को कोई कीड़ा काट जाए या फिर ततैया काट जाए तो भृंगराज, सदाबहार जैसे वनस्पतियों के साथ इसका पंचांग भी, इसके पत्ते भी अगर वहाँ पर थोड़े से मसल करके लगा दिए जाएँ तो विष उतर जाता है। और मैं मेरा एक अनुभव डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी विषनाशक वनस्पतियाँ होती हैं बहुत बार वो शिरोरोग में बहुत अच्छा काम करती है, तो मैंने ये रिलेशन भी वनस्पतियों में देखा है। अगर हम सहदेवी की बात करें तो आयुर्वेद में इसे निंद्रा कारक बताया गया है, यानी कि ये भी माइंड को अफेक्ट करता है, ये भी शिर को अफेक्ट करता है। अगर किसी को इंसोमनिया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, ये एक बहुत ही ख़राब बीमारी है, ऐसे में
इस सौम्य वनस्पति का प्रयोग करके ये प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाता है। ऐसे में आपने क्या करना है, इसकी जड़ को सर पे बांध लेना है, या फिर अगर आप इसको आपके गमले में लगा करके दो तीन गमले आपके बिस्तर के आसपास भी रख लेते हैं, इससे भी नींद बहुत ही अच्छे से आ जाती है। ये इसका खास इसका गुण है। इसके अलावा सहदेवी बुखार को दूर करने के लिए खास जानी जाती है। जिस तरह से गिलोय, द्रोण पुष्पी, नीम ये सब बुखार को दूर करने के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही सहदेवी बुखार को दूर करने के लिए खास जाना जाता है। ये इसकी खास क्वालिटी है। ये सारे सहदेवी के सूक्ष्म पौधे हैं, ये सूक्ष्म अवस्था में इस तरह का नजर आता है। बुखार में या इंसोमनिया में सर पे जड़ को बांधने से ही कैसे असर हो जाता है, ये एक बड़ी कमाल की विचित्र बात है, लेकिन ये सही में ऐसा होता है। वैसे इन समस्याओं में इसके पंचांग का भी सेवन किया जाता है। पानी के साथ इसके पंचांग को आप आधा ग्राम जैसा ले सकते हैं, उससे भी पूरा फायदा होता है। और एक समस्या है जिसमें ये बहुत ही काम का है, वो है बच्चों में मूत्र विकार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को गोखरू जैसी वनस्पतियां नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि उससे उनके हार्मोनल बैलेंस पे असर पड़ता है। और क्योंकि सहदेवी एक बहुत ही सौम्य वनस्पति है, ये सरलता से बच्चों को दी जा सकती है। अगर बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम है, और कुछ करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बच्चों को अगर सहदेवी का एक पत्ता अगर खिलाएं हर रोज़, या इसके साथ साथ अगर आप खजूर को दूध में उबाल करके उन्हें पिलाएं, और तिल का भी अगर सेवन कराते हैं, तो मूत्र विकार में ज़बरदस्त फायदा होता है, तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा भी बच्चे हों या बड़े हों, किसी भी तरह का मूत्र विकार अगर है, तो इसमें भी दूसरे दवाओं के साथ, दूसरे वनस्पतियों के साथ अगर सहदेवी का भी प्रयोग कराते हैं, तो बहुत ही तेज़ी से लाभ होता है। आपके प्रांत में सहदेवी को किस नाम से जाना जाता है, और आप इसका प्रयोग क्या जानते हैं, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि जन कल्याण हो सके, सबको इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले आपके वैद्य का परामर्श ज़रूर कर ले। और ये वीडियो जानकारी के लिए है, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझे। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।